साथियों नमस्कार। अगर आप भी GSD यानी जर्मन शेफर्ड डॉग लेने की सोच रहे हैं या आपके घर पे ऑलरेडी जर्मन शेफर्ड है तो ये आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक ऐसा बिहेवियर इश्यू मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। देखिए, हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं और इन जानकारियों में हमने GSD के बारे में कई हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों को बताए हैं, जिनमें से हेयर्स का मान लीजिए, स्किन कॉट का मान लीजिए या फिर उनके लेग बेंडिंग का मान लीजिए, कई चीज़ें हमने आप लोगों से डिस्कशन की है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा विशेष है और मैंने लगातार सर्वे किया, लगातार ऑब्जर्व किया, तब एक विशेष समस्या हमारे सामने आई। जिनके घर पर भी GSD पप्पी हैं, अगर वो अच्छी तरीके से उन्हें ट्रेंड नहीं कर पाते हैं, देखिए जो ट्रेंड हो गया है वो तो कोई इशू वहाँ रहता ही नहीं है, लेकिन जो अच्छी तरीके से ट्रेंड नहीं कर पाते हैं वहाँ एक समस्या बार बार हमारे सामने आ जाती है और वो इसके एक ऐसे बिहेवियर इशू की है जो सबसे बड़ी समस्या है और 100% आपको मिलेगी ये मान के चलें। अब देखिए होता क्या है, GSD पपी जो भी घर के सदस्य हैं, GSD डॉग जो भी घर के सदस्य हैं उनके साथ अच्छी तरीके से वो घुल मिल करके रहता है और उसे अगर प्रॉपर ट्रेंड किया जाए तो एक अच्छा फ्रेंडली हमारा फैमिली डॉग बन सकता है। लेकिन एक बिहेवियर इश्यू ऐसा है कि जब भी GSD खाना खाता है, उसको खाने के लिए कोई भी आप चीज़ देते हैं, उस समय वो डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करता। ये सबसे बड़ा एक इशू है। और मान लीजिए कि हम सब बैठे हैं और वो खाना खा रहा है, उस समय कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई अनजान बच्चा या कोई अनजान व्यक्ति जब वो खाना खा रहा है उस समय उसके खाने में हाथ डाल देता है या उसके खाने को अलग कर लेता है या किसी भी तरीके से उसे इरिटेट कर देता है तो उस समय वो बाइट कर सकता है। ये शिकायतें फील्ड से अभी बहुत ही ज़्यादा आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दूं कि भाई ध्यान रखिए। जिनके घर पर भी GSD हैं आप तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आज ही से जान लीजिए, जब GSD खाना खा रहा है उस समय आप किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस उसे प्रदान ना करें। छोटे बच्चों को भी अगर आप वहां जाने देते हैं, बच्चे अनजान होते हैं, उसे छेड़ लेते हैं खाना खाते वक्त, तो भाई वो बाइट कर सकता है। ऐसी शिकायतें बहुत ही ज्यादा मिल रही है तो ये एक इश्यू आप पूरा ध्यान रखिए। इसके अलावा अपने GSD को फुली वैक्सीनेटेड रखिए ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा ऑल ओवर चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं डॉग्स ट्रीटमेंट के बारे में, तो भाई हमारा जो रामावत एनिमल ऐप है वहां पर ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं।